इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कब्जा माफिया सरगना मंशा बम और उसके बेटे आसिम मंशा के जिस्मानी रिमांड में मजीद चार दिन की तौसी कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानते हैं हमारे नुमाइंदे नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम और इसके बेटे आसिम मंशा के जिस्मानी रिमांड में मजीद चार दिन की तौसी का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुजरिमों को जो है आज जोहर टाउन में प्लाट पर कब्जा के मुकदमे में अदालत में पेश किया गया। मुकदमा नंबर 1147/18 में अदालत में पेश किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के एडमिन जज शेख सज्जाद के रूप में मुजरिमों को पेश किया गया। इस मुकदमे के जो वकील हैं मुलजमों की जानब से वकील फराज अली शाह अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि मुलजमों का मजमुई तौर पर मंशा बम का 60 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जा चुका है। तफ्तीशी अफसर की जानब से और तमाम तर गिरफ्तारी और तफ्तीश मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजमों के जो बैंक लॉकर हैं वो अभी खुलवाने हैं, लिहाजा उसके लिए मजीद 10 दिन के रिमांड में तौसी दी जाए। जिस पर वकील फराज अली शाह ने अदालत को बताया कि मुलजम जो है वो शुगर का मरीज भी है, लिहाजा अदालत मुलजम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी करे। जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और अभी जो है वो फैसला सुनाते हुए दो मुलजमों मंशा बम और उसके बेटे आसिम मंशा के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी का हुक्म दे दिया। ठीक है, जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया नुमान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप हमें।